हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस में व्हीकल ऐड कराना चाहते हैं, व्हीकल ऐड कराने से मेरा मतलब है, सपोज डेट आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है, वह बना हुआ है टू व्हीलर्स का, और आप उसमें LMV ऐड कराना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। यानी कि सपोज आपका ड्राइविंग लाइसेंस MCWG का बना है और उसमें आप कार को ऐड करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस में LMV को ऐड करने या किसी भी अन्य व्हीकल को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस बनने के एक महीने बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। और स्लॉट बुक करते समय जो डेट और टाइम आप चूज़ करेंगे, उस डेट और टाइम पर आपको अथॉरिटी जाकर अपना ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, और ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। आप बोलेंगे इसमें नया क्या बता रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी बता रखा है, जो लाइसेंस का प्रोसीजर ही यही है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनाओ, उसके बाद फिर एक महीने बाद स्लॉट बुक कराओ, उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट दो, देन आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। इसमें नया क्या है फ्रेंड्स? इसमें नया ये है कि जो आप नया लाइसेंस बनाते हैं उसका स्लॉट बुक कराना, और जो आपका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसमें स्लॉट बुक कराना, जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब, समझ नहीं पाएंगे आप। पूरा यूट्यूब छान मारिए, आपको यूट्यूब पर कहीं भी व्हीकल एड ऑन करने का प्रोसेस आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ मिलेगा, लेकिन सिर्फ लर्निंग लाइसेंस तक का। आप उसको परमानेंट लाइसेंस में जब कन्वर्ट करना होगा ना, उसके बाद का प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके पता तो करके देखिए, वह देखिए तो सही यूट्यूब पे और चैनल। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हाँ भाई कौन से चैनल पे ये प्रोसेस बताया गया परमानेंट लाइसेंस के लिए, कैसे आप अप्लाई करेंगे यदि आपको व्हीकल एड ऑन वाली सर्विस को आपने अपनाया है तो। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग लाइसेंस में व्हीकल ऐड करने से रिलेटेड जो लर्निंग लाइसेंस का प्रोसीजर होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो में भी एक अपडेट है। अपडेट ये है कि यदि आप अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस में कोई व्हीकल ऐड करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो लर्निंग टेस्ट होता था, बट आपको लर्निंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लर्निंग की फ़ीस पे करेंगे और आपका लर्निंग लाइसेंस बन के आपको मिल जाएगा। आपको PDF में आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी अब आपको अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस में यदि कोई व्हीकल को ऐड करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लर्निंग की फ़ीस डिपॉजिट करनी है और आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी जो आपका लर्निंग लाइसेंस जो आपको मिला है अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस में व्हीकल ऐड करने के बाद, तो उस लर्निंग लाइसेंस को पक्के लाइसेंस या फिर परमानेंट लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कैसे बनाएंगे। नॉर्मल वे में क्या होता है, आपके लर्निंग लाइसेंस पे एक एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, वह एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यानी अपनी पेमेंट करने के बाद आप अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, और जो आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट मिलता है उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आप उस डेट और टाइम पर जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट देख के अपने लाइसेंस को बनवा लेते हैं। बट इसका जो प्रोसीजर है थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो लर्निंग लाइसेंस पे आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डली रहती है, उसके उस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करके आप यहाँ पे स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे। इवन यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करके आप पेमेंट भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, तो इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस में कोई व्हीकल को ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या इसका पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, इसका स्लॉट बुकिंग का क्या प्रोसीजर है, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस में कोई व्हीकल को ऐड करके उसको परमानेंट लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और उसका स्लॉट कैसे बुक कराएंगे। लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे आप लर्निंग के लिए अप्लाई करेंगे अपने एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस। बार बार मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टिंग, यानी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है उसमें किसी व्हीकल को ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि इसके लिए स्लॉट कैसे बुक करेंगे और पेमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे परिवहन की वेबसाइट पे आ गए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन में जाके सर्विस ऑन DL रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यहाँ पे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, ना कि एप्लीकेशन नंबर। जो आपका एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस है उसका नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट DL डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पूरे ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आ गई, जिसमें आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, सब कुछ आ गया। वहाँ पर स्लाइड करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पर कन्फर्म्ड वाले ऑप्शन पर येस करेंगे। इसमें हम कन्फर्म कर रहे हैं कि ये हमारा ही ड्राइविंग लाइसेंस है, और यहाँ पर प्रोसीड करके हम आगे बढ़ेंगे।
आप ये ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे लाइसेंस में जब की अथॉरिटी आएगी सराय कालेखा आएगी। आपने बेशक किसी भी अथॉरिटी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा बट अब यहाँ पे आपका अथॉरिटी जो है सराय कालेखा लिखी आएगी। हाँ आप स्लॉट बुक करेंगे तो आप जिस मर्जी अथॉरिटी में जाके टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे आप, अब देखेंगे कि आपके लाइसेंस की पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। पूरा जो भी आपने डिटेल इसमें लाइसेंस बनाते समय दी होगी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, और इसको कंफर्म करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया है, इसमें चेंज एड्रेस वाले ऑप्शन को हटा के एडिशनल एंडोर्समेंट टू डीएल वाले ऑप्शन पर टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ गया, आप स्लाइड करके नीचे आएंगे, जो चेकबॉक्स बनाया है उस पर क्लिक करके कन्फर्म बटन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका आरटीओ नेम सराय कालेखा आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन है, उस फॉर्म को हम फिल करेंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन को यस करेंगे, बाकी सबको नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको फाइनली इसको सबमिट कर देंगे डिक्लेरेशन को टिक करके। यदि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं तो सेकंड ऑप्शन को यस करना है, बाकी सबको नो कर देना है। ये देखिए आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद यदि आप ऑर्गन को अपने डोनेट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए, मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के हम इसको फाइनली सबमिट करेंगे। ये देखिए आपका एक नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। अब इस एप्लीकेशन नंबर के रेफरेंस में ही हम आगे जो भी करेंगे, या फीस जमा करेंगे या स्लॉट बुक करेंगे, सारा यही एप्लीकेशन नंबर के रेफरेंस में ही होगा। अब स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अब अगला ऑप्शन आ रहा है फीस पेमेंट का, उसके बाद डीएल स्लॉट बुक करने का। हम फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट रहने देंगे और प्रोसीड करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चेंज नहीं होगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप देखिए आप यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे फीस पेमेंट करके अपना स्लॉट बुक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सीखा कि परमानेंट लाइसेंस का क्या प्रोसीजर हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि एक नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, जो आपके लर्निंग लाइसेंस पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा था वो एप्लीकेशन नंबर दूसरा है, और ये जो नया जनरेट हुआ है दूसरा है। तो इस तरह से आप नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके उसके अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे। पेमेंट का प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। पेमेंट का प्रोसीजर मैं यहाँ पे बता के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, पेमेंट आप खुद ही कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद स्लॉट बुक करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले स्लॉट बुक करना सीखा था। यदि आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे स्लॉट बुक होगा, कैसे पेमेंट होगी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि आपको एक बार प्रोसेस समझा दूँ कि लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा यूट्यूब छान मारी है, आपको नहीं मिलेगा इसके वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी परेशान होएं, तो आप इस वीडियो की हेल्प से आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स खैर जो भी है, अब आपको ये वीडियो मिल गई है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।